अच्छा मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे पास सिर्फ चूंकि प्रैक्टिकल्स हैं, तो प्रैक्टिकल्स में ये एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं। तो इधर से आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो है ना, एक तो करने जा रहे हैं यूरिक एसिड वाला, एक बिलीरुबिन वाला। दो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, दो कंटेंट जो हैं। तो आपके कंटेंट के अंदर ये चीजें शामिल है, कौन सी? यूरिक एसिड और क्या है जी? बिलीरुबिन। अभी 2-4 मिनट हम वेट कर लेते हैं, जो कि स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है? वेट कर लें 2-3 मिनट। यस सर, कर ले। ओके। हाँ तो भाई ना, अब उसको सीवेज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं 37, 6 स्टूडेंट आ चुके हैं। तो हम क्लास शुरू करते हैं। तो हम जो है ना आज क्या पढ़ेंगे, एक तो हम यूरिक एसिड जो है ना, सीरम में यूरिक एसिड की क्वांटिटी हम मालूम करेंगे। और आज का जो मेथड होगा, फुल स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों आपको? यस सर। ओके, थैंक यू सी यार। तो यूरिक एसिड मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? यूरिक एसिड इज एंजाइमेटिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन परऑक्साइड, एलोटोनिन सर एंड द स्क्रीन कार्बन सर डाइऑक्साइड। स्क्रीन स्क्रीन नजर नहीं आ रही। नहीं, किसी को भी नजर नहीं आ रही। इधर से तो मैंने शेयर कर दी है, आपको नहीं नजर आ रही। बाकी बच्चे बताएं किसको नजर आ रही है? सर नजर आ सर रही मुझे है। भी नजर ओ आ रही है क्या? किसी को नहीं आ रही, देखो अपने पास से लगे हुए। सबसे पूछ लिया आ आपने? रही सर, नजर आ आ रही रही है। है नजर यार, आपके एंड पे फॉल्ट है कोई। आ रही है नजर स्क्रीन है, रोजाना क्लासेस लेता हूँ, यही काम करता हूँ सर ना मैं। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही है जी, फुल स्क्रीन। क्या आपको नजर आ रहा है? जिसको नहीं नजर आ रही उसको क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? सर हो गया क्लियर। हाँ हो गया, आपका शुक्रिया, आपका बताने का शुक्रिया, ठीक है, आपका थैंक हेल्प यू करने सर। का शुक्रिया। अच्छा, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ना यूरिक एसिड से, ठीक है, यूरिक एसिड एंजाइम की मदद से, वो क्या करती है? हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस इज डिटेक्टेड बाय द कलर प्रोड्यूस्ड बाय इट। द रिएक्शन इज डेवलप्ड बाय द एचआरपी, हार्श रेडिश परऑक्साइड, एचआरपी एंजाइम है ये। पहले क्या ये यूरिक एसिड का फार्मूला है, ये प्रिंसिपल जैसे बता दिया, इस प्रिंसिपल पे ये हमारे प्रैक्टिकल करना है। ये उसकी इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, यूरिक एसिड है जिसको हम एनालाइज करते हैं, उसको एनालाइट कहते हैं। इसमें एनालाइट जो है यूरिक एसिड है, वो क्या है? यूरिक एसिड एंजाइम की मदद से वो जो ना हाइड्रोजन परऑक्साइड और बाकी चीजें बनाता है, ये देख सकते हैं आप। तो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको फिर यूज किया जाता है नेक्स्ट एक कलर प्रोड्यूसिंग रिएक्शन में, और उसमें 2,3,5-ट्राइब्रोमोफिनोल और 4-अमीनो एंटीपायरीन यूज करके हाइड्रोजन परऑक्साइड
को कन्वर्ट किया जाता है ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स में। देखें जितना यूरिक एसिड होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा उतना ज्यादा ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जो है ना ये हमें इंडिकेट करती है कि यूरिक एसिड बन चुका है और इसको क्वांटिटेटिवली भी मेजर किया जा सकता है। दो के आपके क्वालिटेटिव टेस्ट दिया गया है यूरिक एसिड का, लेकिन मैं नहीं समझता इसको क्वालिटेटिव होना चाहिए, इसको क्वांटिटेटिव होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर्म डी के स्टूडेंट हैं तो आपका काम ही जो है ना हेल्थ से रिलेटेड है, ड्रग से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड है, उनकी क्लासेस से रिलेटेड है, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। कौन सी ड्रग किस प्रोटीन किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है, फार्माकोडायनामिक्स से आपका तल्लक है। कौन सी ड्रग बॉडी में कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है जब आप उसको ले लेते हैं ड्रग को, और वो कितनी देर बाद बॉडी से एक्सक्रीट होती है, कितना टाइम बॉडी के अंदर रहती है, फार्माकोकाइनेटिक्स से आपका काम है। और उस फार्माकोडायनामिक या काइनेटिक्स के अलावा पहले हमें ये फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। फिजियोलॉजी जो भी आपके बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं हेल्दी पर्सन के अंदर, उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजी कहते हैं। फंक्शंस और जो डिजीज पर्सन में जो फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है उसको पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। हम बेसिकली ये पैथोफिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी के साथ डिस्टिंग्विश करने के लिए डायग्नोस्टिक्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं जो कि जिसका नाम है सीरम यूरिक एसिड क्वांटिटेशन। इसके लिए ये मटेरियल चाहिए, मटेरियल आप देख सकते हैं, मटेरियल आप पढ़ सकते हैं, आपको मैंने सेंड कर दी है ये वाली जो तीनों एक्सपेरिमेंट रिटर्न में। तो ये इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर जो है ना जो लिखा हुआ यहाँ पे वो टेबल में भी वही चीजें मौजूद है, जो यहाँ पे लिखा हुआ वही टेबल में भी मौजूद है। आपने क्या करना है जी, तीन किस्म के आपके सैंपल तैयार होने, एक अननोन सैंपल है आपका, एक्स को हमेशा अननोन से मैंने शो किया है थ्रू आउट ऑल द प्रैक्टिकल्स, स्टैंडर्ड को मैंने ऐसे शो किया है, एक ब्लैंक है। आपने देखा होगा कि हमने जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो हमने उसको कैसे किया था, हमने उसको स्टैंडर्ड कर्व के थ्रू किया था। लेकिन आप एक स्टैंडर्ड के तौर को यूज करके भी अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हो। ये ज्यादा सिंपलिसिटी के लिए मैंने आपको एक स्टैंडर्ड सैंपल को यूज करते हुए अननोन की सैंपल कंसंट्रेशन मालूम करने का प्रोसीजर यहां बताने जा रहा हूं। तो स्टैंडर्ड कर्व बनाने के लिए हमें चार या पांच स्टैंडर्ड सैंपल चाहिए होते हैं, यहां हमने सिर्फ एक स्टैंडर्ड सैंपल तैयार किया है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड सैंपल तैयार किया है। अच्छा जी, अब आपने जो टेस्ट सैंपल उसमें क्या क्या डालना है, अननोन सैंपल में उसमें वाटर नहीं डालना, उसमें यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड सैंपल भी नहीं डालना, उसमें सुपरनेटेंट डाल लेना है, सीरम का सुपरनेटेंट, जो सीरम आप निकाल लेंगे उसका आपने 1 ml डाल लेना है, अननोन सैंपल का, अननोन सैंपल का सीरम डाल लेना है सुपरनेटेंट की फॉर्म में। ठीक है, किस लिए डालना है कि उसमें हमने यूरिक एसिड मालूम करना है, जिसमें से मालूम करना यूरिक एसिड उसको एक्स अननोन सैंपल कहेंगे। यूरिक एसिड एंजाइम डालेंगे 2 ml डालेंगे, यूरिक एसिड एंजाइम की रेसिपी नीचे दी गई है। HCl डालेंगे, L छोटा होना चाहिए HCl का, 2 ml डालेंगे। क्रोमोजेनिक रीजन डालेंगे 3 ml और N-ब्यूटाइल एसीटेट डालेंगे 5 ml डालेंगे। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड सैंपल होगा उसमें डिस्टिल वाटर नहीं होगा, उसमें लेकिन 1 ml होगा, क्या होगा जी, यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड होगा, यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड होगा। और डेफिनेटली स्टैंडर्ड सैंपल में अननोन सीरम नहीं डालेंगे, वो 0 ml होगा। ठीक है, ये ml साथ लिखा हुआ है, और यूरिक एसिड एंजाइम इसमें भी डालेंगे 2 ml होगा, 2 ml HCl होगा, 3 ml पहले की तरह अननोन सैंपल की तरह स्टैंडर्ड में क्या क्रोमोजेनिक मटेरियल होगा, और 5 ml क्या होगा, N-ब्यूटाइल एसीटेट होगा। फिर हम ब्लैंक डालेंगे, ब्लैंक कैसे बनाएंगे, ये तीनों अलग अलग ट्यूबों में बनाएंगे, एक्स अननोन, स्टैंडर्ड S और B ब्लैंक। ब्लैंक में 1 ml हम पानी डाल लेंगे, ना इसमें यूरिक एसिड का स्टैंडर्ड आएगा, ना इसमें अननोन सैंपल का सुपरनेटेंट आएगा, तो उसकी जगह 1 ml वाटर डाल देंगे हम, बाकी चीजें सेम होंगी। आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड, अननोन और ब्लैंक के अंदर सिर्फ डिफरेंस जो है ना वो स्टैंडर्ड की एडिशन का और सैंपल की एडिशन का और वाटर का होता है। रूल ये है तमाम एनालिसिस के लिए कि जिनको आपने एक साथ एनालाइज करना है एक टेस्ट के अंदर, तमाम का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तमाम सैंपल का, चाहे वो अननोन सैंपल हो, चाहे स्टैंडर्ड हो, चाहे वो ब्लैंक सैंपल हो। तो जो अननोन सैंपल है यहाँ पे उसका वॉल्यूम देखिए कितना है, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13 ml है, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13 इसका भी 13 ml है स्टैंडर्ड का। ब्लैंक का कितना है, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13 यानी तीनों सैंपल का वॉल्यूम बराबर होगा। अब हमने क्या करना है, एब्जॉर्बेंस लेनी है 492 पे। ये जो क्रोमोजेनिक एजेंट बना आखिर में प्रेसिपिटेट बने हैं, ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स बना है जो आखिर में कलर डेवलप हुआ है, तो ये जो है 492 पे एब्जॉर्बेंस देता है। कितने पे, 492 पे एब्जॉर्बेंस ये देता है। तो मैंने एब्जॉर्बेंस ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने ब्लैंक को पहले है ना दोनों क्यूवर्ट्स में डाला। आपको पता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आमतौर पे डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ना आमतौर पे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है,
तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहां से, यहां से, तो इमेज, तो आपके लिए मैंने डबल बीम कहां खोला है, डबल बीम इनमें से कौन सा है। अच्छा चलो ठीक है, बेसिकली डबल बीम का है ये, एक दो क्यूबर्ट्स इसकी होती है, एक क्यूबर्ट ये है कि ये है, आपको नजर आ रही तस्वीर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को, बल्कि ये खोल लेते हैं, ये ज्यादा सिंपल है। अच्छा जी, ये मैंने पिक्चर आपके लिए खोल ली है, मैंने आपकी एम्पलीफाई भी कर ली है, क्या आप देख सकते हैं ये रेफरेंस और सैंपल लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप क्या? शाबाश। तो बेसिकली इसकी दो कीवर्ड्स होती हैं, जिसकी दो कीवर्ड्स होती हैं उसको डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहा जाता है। सबसे पहले आपने जो सैंपल है ना, ब्लैंक सैंपल कहां मैं देखता हूं, ब्लैंक सैंपल आपका जी ये रहा, ये जो ब्लैंक सैंपल है ना आपका, सबसे पहले आपने ब्लैंक दोनों कीवर्ड्स में डाल लेना है, दोनों कीवर्ड्स में ब्लैंक से भर देनी है दोनों कीवर्ड्स, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जीरो का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर एक ट्यूब में से जिस पे सैंपल लिखा है इसमें से ब्लैंक निकाल के इसमें अननोन सैंपल डाल लेना है, कौन सा डाल देना है, अननोन सैंपल डालना है और अब्सॉर्बेंस ले लेनी है, क्योंकि दोनों में ब्लैंक डाल के आपने जीरो कर दिया है। अब जो भी सैंपल आप एक क्यूबर्ट में डालेंगे वो उस सैंपल की ओरिजिनल रीडिंग होगी, ब्लैंक की हमने पहले ही जीरो कर दी है, माइनस कर दी है वैल्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। तो सैंपल की अब्सॉर्बेंस ले लेंगे, फिर इसमें सैंपल निकाल के इस क्यूबर्ट में स्टैंडर्ड डाल देंगे, हैं ये सारे सैंपल ही, कोई अननोन सैंपल होता है, कोई ब्लैंक होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है। इस तरीके से हम ब्लैंक के अगेंस्ट ले लेंगे अब्सॉर्बेंस किसकी, टेस्ट सैंपल की भी ले लेंगे, अननोन सैंपल की, स्टैंडर्ड सैंपल की भी ले लेंगे, और यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ओडी ऑफ द टेस्ट, ओडी का मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी, इसको अब्सॉर्बेंस भी कहते हैं, ओडी अब्सॉर्बेंस दोनों टर्म यूज होती हैं, ओडी एंड अब्सॉर्बेंस दोनों टर्म यूज होती हैं। OD of the test sample, test mean unknown sample divided by OD of the standard multiplied by concentration of the standard, हम ये formula use करेंगे, यहाँ पे values डालेंगे, और जो unknown sample है उसकी जो uric acid की concentration है 4 milligram per deciliter आ जाएगी। आपको पता होना चाहिए जो clinical sample होते हैं उनकी जो है ना मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर में आमतौर पे यूनिट दिए जाते हैं, जो टेस्ट रिपोर्टें आती है ना क्लिनिकल लैब से भी आती हैं, आमतौर पर डेसीलीटर में उसकी कंसंट्रेशन दी होती है। डेसी कहते हैं 100 को, डेसी कहते हैं 100 को, ठीक है, 100 ml को डेसीलीटर कहते हैं। अच्छा तो क्या हुआ, पर्सन हैज सीरम यूरिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका कंक्लूजन ये है। और जो रीजेंट्स हैं, रीजेंट की रेसिपी बिल्कुल याद नहीं करनी, ये रीजेंट की रेसिपी मैंने इसलिए दी है अगर आप में से कोई भी एक्चुअली रियल में एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो इन रीजेंट्स की रेसिपी उनके पास हो, वो रीजेंट को मिक्स करके वो खुद भी ये सारा कुछ डिजाइन कर सकता है, एसिटिक एसिड इतना चाहिए, फिर जी ये डिसॉल्व, ये कोई रीजन बनाने के लिए इतना चाहिए, यूरिकेज रीजन इस तरह बनेगा, ये आपको पेपर में नहीं आएगा लेकिन कॉपी पे आपने लिखना है, ये पेपर में रीजन की रेसिपी नहीं आएगी, ठीक है, रटा है चुके ये तो, लेकिन कॉपी पे आपने देख के लिख लेनी है। सिग्निफिकेंस ये है, नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल्स आर 2.4-2.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फीमेल में होता है और मेल में थोड़ा सा हाई होता है, जो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है, कंपेयर यूरिक एसिड कंसंट्रेशन in the serum of healthy person and a person suffering from gout, ये disease है, इसमें थोड़ा सा elevate हो जाता है। Individual क्या है जी, male में इतना होता है blood uric acid और female में इतना होता है, ठीक है। अच्छा एक experiment हमने पढ़ लिया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये आपने चीजें तैयार करनी है, ये चीजें तैयार करने के बाद आपने अब्सॉर्बेंस ले लेनी है, ये प्रोसीजर स्टेप्स लिखे हुए, ये आपने देख के लिख लेने हैं, आपने याद कर लेने हैं, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है और ये इसका क्या है जी, ये इसका क्या है जी, ये इसका जी प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ये आपने याद कर लेना। हम आज दो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए हमने आज प्लान किया है, एक हमने मालूम कर लिया यूरिक एसिड, ठीक है, एक आज हम बिलीरुबिन पढ़ लेंगे, ठीक है, जो स्टूल का कलर होता है येलो, ये बिलीरुबिन। जी बोलिए प्लीज सर, ये जो टेबल के अंदर ओडी एट ए 492 ये क्या है? ये वाली ओडी ये पूछ रहे हैं आप? यस सर। अच्छा अच्छा, लास्ट कॉलम में एक स्टूडेंट ने पूछा है ओडी एट ए 492, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल डेंसिटी या अब्सॉर्बेंस एट वेवलेंथ 492 नैनोमीटर, ठीक है, अब्सॉर्बेंस 492 नैनोमीटर पे लेनी है। हर जो मॉलिक्यूल है ना उसकी जो मैक्सिमम अब्सॉर्बेंस है वो
डिफरेंट हो सकती है। ये जो क्रोमोजेनिक कंपाउंड बना है जिसका कलर क्या था जी, क्रोमोजेनिक कंपाउंड ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स जो एंड पे बना था, ये मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 492 नैनोमीटर वेवलेंथ पे देता है, ठीक है। तो उसी लैम्डा मैक्स की इसकी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, हम इसी वेवलेंथ को यूज करते हुए हम एब्जॉर्बेंस लेंगे अननोन सैंपल की। आम लॉजिक ये हमने पढ़ी हुई है कि अगर एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो तो सैंपल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, उस सैंपल में यूरिक एसिड की। अगर उसकी एब्जॉर्बेंस कम आए तो सैंपल में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी। 492 क्या है, ये वेवलेंथ है जिस पे एब्जॉर्बेंस ली। ओडी का क्या मतलब है, एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। आपका सवाल पूछने का शुक्रिया, समझ आ गई आपको जी सर, थैंक यू। हाँ शुक्रिया आपका भी। अच्छा जी अगला हम कर रहे हैं, और आपने बात वरी बिल्कुल नहीं करनी, अगर आप क्लास में कहेंगे ना कि सारे हमें दोबारा करवा दें तो मैं सारे फिजिकली दोबारा भी करवा दूंगा जो नहीं समझ लगी आपको, इसमें बिल्कुल कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना मुश्किल काम नहीं, आपका आसान काम है। अच्छा हमने सीरम बिली रूबिन पढ़ना है, ठीक है। अब ये कि ना जो बिली रूबिन जो है ना, आपके जब आरबीसी जो है ना आपके जो है ना डेड होते हैं, 120 दिन आरबीसी की लाइफ है, ठीक है। और आपको पता है अंदर हीमोग्लोबिन के भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, हीमोग्लोबिन होती है अंदर, ठीक है। हीम ग्रुप होता है अंदर, ठीक है, हीम ग्रुप होता है। तो हीम ग्रुप की जब डिग्रेडेशन होती है, आरबीसीज की डिग्रेडेशन जब होती है, तो हीम से क्या बनता है, फाइनली बिलीरुबिन बनती है। बिलीरुबिन जो है ना ये ब्लड के थ्रू लीवर में ट्रेवल करती है, और लीवर में इसको कॉन्जुगेट कर लिया जाता है, फिर ये वाटर सोलबल हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये गाल ब्लड के थ्रू जो है ना ये फिर कहां इंटेस्टाइन में रिलीज होती है, और ये स्टूल का कलर जो ना येलो करने का बायस कौन बनता है, बिलीरुबिन होती है, बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन। मैंने इसका सोर्स आपको बता दिया। अच्छा अब ये क्या है कि इसका प्रिंसिपल हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन किसको कहते हैं, वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइड्स, बिलीरुबिन ग्लूकोरोनाइड्स, ये वाटर सॉल्युबल होती है, ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होती है, बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड होती है। इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन भी कहते हैं। इसको डायरेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिएक्ट करती है रीएजेंट के साथ, ठीक है। ये जो वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन होती है रिएक्ट्स इमीडिएटली विद डाइएजो रीएजेंट्स, डाइएजो रीएजेंट के साथ ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। एक ले लूं ये वाला, ये ले लूं और अब हम इसको दोबारा कर लेते हैं। खैर तो ये जो कंजुगेटेड होती है ये रीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करती है, लेकिन जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होती है, यानी कि सिर्फ बिलीरुबिन जो होती है वो वेरी स्लोली रिएक्ट करती है, ठीक है। तो उसको तेज रिएक्शन करने के लिए मेथनॉल से रिएक्शन करवाया जाता है। किससे करवाया जाता है, मेथनॉल से उसका रिएक्शन करवाया जाता है। मेथनॉल जो है एल्ब्यूमिन को रिलीज कर देता है जो बिलीरुबिन से जुड़ी होती है, और डाई एजो जो रिएजेंट है फिर बिलीरुबिन के साथ इंटरेक्ट करता है। यही चीज इस इक्वेशन में भी लिखी गई है, जो बिलीरुबिन और डाई एजो रिएजेंट जो है इसमें अगर हम मेथनॉल डाल लें तो जो कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड टोटल बिलीरुबिन है वो ग्रीन कॉम्प्लेक्स बनाने का बायस बनेगी, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन अगर हम उसमें मेथनॉल ना डालें तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बिलीरुबिन डिटेक्ट होगी। डायरेक्ट का मतलब है कंजुगेटेड बिलीरुबिन डिटेक्ट होगी, ठीक है। आम तौर पे जो लीवर है आपका वो बिलीरुबिन को कंजुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जब आपका लीवर डैमेज होता है किसी इंसान का तो उसमें जो है जो है ना टोटल बिलीरुबिन बढ़ जाती है, ठीक है, टोटल बिलीरुबिन बढ़ जाती है, उसमें टोटल बिलीरुबिन बढ़ जाती है, और खासतौर पर फ्री बिलीरुबिन जो है ना, फ्री बिलीरुबिन वो बढ़ जाती है, जो कि सेहत के लिए अच्छी गुड नहीं है। इट कैन नॉट बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, जो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं की जा सकती, ठीक है, जो फ्री बिलीरुबिन है। लेकिन जो कंजुगेटेड है वो हम बॉडी आसानी से एक्सक्रीट कर देता है स्टूल के थ्रू, जो कंजुगेटेड है। और कंजुगेटेड बिलीरुबिन को क्या कहते हैं, ये जो सेकंड इक्वेशन नजर आ रही है आपको जिसमें मेथनॉल नहीं है, इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। कंजुगेटेड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। क्यों डायरेक्ट कहते हैं, इट रिएक्ट्स डायरेक्टली, इट डू नॉट नीड मेथनॉल। अच्छा इसके कुछ रीजंस हैं ये वाले, और ये इसका प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर इस टेबल में भी दिया गया है, ठीक है, इस प्रोसीजर टेबल में भी दिया गया है। ये टेबल में क्या प्रोसीजर है, हमने यहाँ पे ब्लैंक टोटल बिलीरुबिन भी मालूम करनी है, टीबी के नाम से लिखा हुआ है, हमने डायरेक्ट बिलीरुबिन भी मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा अगर टोटल बिलीरुबिन में से
जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को माइनस कर दें तो फिर जो है ना हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन भी आ जाएगी, हम अगली आगे जाकर देखते हैं। खैर तो जो ब्लैंक होगा टोटल बिलीरुबिन का उसमें हम क्या क्या डाल लेंगे, उसमें डिस्टिल्ड वाटर 2.3 ml डाल लेंगे, उसमें चूंकि ये ब्लैंक है इसमें स्टैंडर्ड नहीं आएगा, ठीक है ये ब्लैंक है, और इसके अलावा जो है इसमें सीरम 0.2 ml डाल देंगे हम, ठीक है, और इसमें जो है ना डाई एजो ब्लैंक, ठीक है इसमें 0.5 ml डाल देंगे, ठीक है चूंकि ये ब्लैंक डालना था इसमें, मैथानोल इसमें 3 ml डाल देंगे, टोटल ये वॉल्यूम बन गया 3, 2, 5, 6 ml मेरे ख्याल ना 3, 2, 5, 6 ml बन गया। इसी तरीके से जो टेस्ट सैंपल होगा इसका अननोन सैंपल जिसको कहते हैं जिसकी मालूम करनी है हमें बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन, उसका हम क्या करेंगे DW 2.15 ml डाल देंगे, ठीक है, और 0.2 ml सीरम डाल देंगे इसमें, ठीक है, और डाइजो रेजेंट 0.5 ml डाल देंगे, और इसमें डाई एजो ब्लैंक नहीं डालेंगे क्योंकि ये टेस्ट सैंपल है ब्लैंक नहीं है, और मेथनॉल 3 ml डाल देंगे क्योंकि ये टोटल बिलीरुबिन मालूम करनी है तो जो फ्री बिलीरुबिन है वो मेथनॉल के बगैर मैयर नहीं की जा सकती, इसलिए फ्री बिलीरुबिन के लिए हम मेथनॉल इसके ब्लैंक में भी डालेंगे और इसके टेस्ट सैंपल में भी डालेंगे टोटल बिलीरुबिन के लिए, ठीक है। अच्छा आगे जी हमने डायरेक्ट बिलीरुबिन मालूम करनी है, डायरेक्ट बिलीरुबिन मालूम करने के लिए हम वाटर डालेंगे डायरेक्ट, ठीक है सारा कुछ डालेंगे इसी की तरह टोटल बिलीरुबिन की तरह डायरेक्ट में भी, लेकिन इसमें मेथनॉल की जरूरत नहीं, इसमें मेथनॉल नहीं डालेंगे, ठीक है। मेथनॉल के बगैर कौन सी बिलीरुबिन डिटेक्ट कर सकते हैं हम, आप बताएंगे क्या, मैं इधर दोबारा आ जाता हूं, मेथनॉल के बगैर कौन सी बिलीरुबिन मालूम कर सकते हैं हम, रिएक्शन क्या कहता है, कंजुगेटेड डायरेक्ट, शाबाश वेरी गुड जॉब, शाबाश गुड जॉब, आपने थ्योरी पढ़ी है माशाल्लाह अच्छी खासी, ठीक है मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए हमने ये ब्लैंक तैयार किया डीबी के नाम से है, और ये डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए हमने अननोन सैंपल तैयार किया, एक्स सैंपल तैयार किया, और एक ब्लैंक भी तैयार किया, ब्लैंक में हमने ये रेसिपी रखी, ब्लैंक में टोटल ब्लैंक में सीरम नहीं डाला, एक हमने स्टैंडर्ड तैयार किया, स्टैंडर्ड की हमने ये रेसिपी की ये ml हमने इतने डाले, लेकिन सारे सैंपल चाहे वो टोटल बिलीरुबिन के हों चाहे बिलीरुबिन के हों चाहे डायरेक्ट के हों चाहे ब्लैंक के हों चाहे स्टैंडर्ड सैंपल हो, सबका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, और यहाँ इस केस में 6 ml है, देख लें यहाँ पे भी 6 ml बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो जितना कम या ज्यादा हो उसको किस चीज से पूरा किया जाता है, उसको वाटर से पूरा किया जाता है, टोटल वॉल्यूम हमेशा सब सैंपल का सेम रहना है एक टेस्ट के अंदर। अच्छा जी अब कंसंट्रेशन ऑफ टोटल बिलीरुबिन वॉल्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एब्जॉर्बेंस लेंगे 540 पे, पिछले केस 492 या 472 पे एब्जॉर्बेंस ली थी, एक मिनट से मुझे देखने देना, 492 पे ली थी, कितने पे एब्जॉर्बेंस ली थी, 492 पे एब्जॉर्बेंस ली थी, उसका कॉम्प्लेक्स का लैम्डा मैक्स जो था 492 था, जबकि यहाँ जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बन रहा है रिएक्शन के बाद, ठीक है जो डाई एजो रीजेंट के रिएक्शन के बाद बिलीरुबिन जो कलर्ड बना रही है कंपाउंड, उसकी लैम्डा मैक्स जो है 540 नैनोमीटर है, उसकी एब्जॉर्बेंस 540 नैनोमीटर पे लेंगे, ओडी का मतलब है एब्जॉर्बेंस ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी जो एब्जॉर्बेंस भी लिख सकते हैं, ओडी लेंगे 540 नैनोमीटर पे, ये इस अननोन सैंपल की आ जाएगी, ये अननोन सैंपल क्या है टोटल बिलीरुबिन के लिए, इस एक अननोन सैंपल इसकी आ जाएगी, ये अननोन सैंपल किस चीज का है डायरेक्ट बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लूम करने के लिए हम एब्जॉर्बेंस ले रहे हैं, और एक हम स्टैंडर्ड की ले लेंगे एब्जॉर्बेंस 1.6 आ गई। हम क्या करेंगे, हम जो है ओडी ले लेंगे टेस्ट सैंपल टोटल की इसकी माइनस इस ब्लैंक की माइनस कर देंगे, और हम डिवाइड कर देंगे सैंपल में से सैंपल ब्लैंक को माइनस कर देंगे, और कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड की से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन क्या थी 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे 0.94 आ जाएगी टोटल बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन, 0.94 टोटल बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, टोटल बिलीरुबिन हमेशा ज्यादा होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन से, ठीक है टोटल बिलीरुबिन दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, ठीक है डायरेक्ट कौन सी होगी कंजुगेटेड होगी, इनडायरेक्ट कौन सी होगी अनकंजुगेटेड होगी, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा टोटल बिलीरुबिन, टोटल बिलीरुबिन। इसी तरीके से हम डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए ये एब्जॉर्बेंस यूज करेंगे 0.03 यूज करेंगे डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है 1.6 क्या है स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस है, मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या है स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन है,
तो ये आगे 0.018 ठीक है। आमतौर पर डायरेक्ट बिली रूपिन जो होती है 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। और इसी तरीके से टोटल भी मालूम कर ली, डायरेक्ट बिली रूपिन भी मालूम कर ली, तो टोटल में से डायरेक्ट जब माइनस करेंगे तो इनडायरेक्ट बिली रूपिन आ जाएगी 0.92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ये इनडायरेक्ट आ गई है, ठीक है, इनडायरेक्ट बिली रूपिन आ गई है। तो इंडिविजुअल हैज डायरेक्ट, जी बोलिए प्लीज। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो 10 के साथ मल्टीप्लाई की, ये 10 कैसे है? ये 10 हमने खुद स्टैंडर्ड तैयार किया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम जब रीजन नीचे देखेंगे ना, हम स्टैंडर्ड अपनी मर्जी की कंसंट्रेशन का तैयार करते हैं। और मैंने क्लास में कहा था आमतौर पर स्टैंडर्ड को तैयार करने का ये रूल होता है कि आपके अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन जो आपको एस्टिमेटेड है स्टैंडर्ड उसके करीब करीब होना चाहिए या विद इन द लिमिट ऑफ द स्टैंडर्ड्स फॉल करनी चाहिए कंसंट्रेशन। ये स्टैंडर्ड हमने खुद तैयार किया, हमने बिली रूबिन बाय की सिग्मा से और उसका एक स्टैंडर्ड तैयार किया 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन का। जिस तरह हम 1 मोलर सोडियम क्लोराइड तैयार करते रहे हैं मैट्रिक में एफएससी में, 2 मोलर हम NaOH तैयार करते रहे हैं, हमने खुद तैयार किया स्टैंडर्ड है, हमने खुद तैयार किया क्योंकि इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन आएगी, इस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हां शाबाश, हाँ। तो ये 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर स्टैंडर्ड एक ही था दोनों केसेस में, डायरेक्ट में भी और टोटल में भी। तो जब हमने इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कौन सी है जो कि अनकंजुगेटेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन सी है जो अनकंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड डायरेक्ट मैयर नहीं होती, उसमें मेथनॉल डालनी पड़ती, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो टोटल में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे बिलीरुबिन, तो ये इनडायरेक्ट बिलीरुबिन आ जाएगी 0.92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो कंक्लूजन ये है कि उसकी जो टोटल डायरेक्ट इतनी है, टोटल इतनी है और इनडायरेक्ट कितनी है बिलीरुबिन 0.92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अच्छा अब ये इसका कंक्लूजन आ गया, ये सारे रीजन दिए, डाई एजो रीजन ए तैयार कैसे करना है, डाई एजो रीजन बी तैयार कैसे करना है, डाई एजो रीजन जो डायरेक्ट यूज किया वो कैसे तैयार करना है, डाई एजो एजो ब्लैंक कैसे तैयार करना है। डाई एजो ब्लैंक 1.5% HCl है, डाई एजो ब्लैंक 1.5, कहां ब्लैंक हमने यूज किया ये देख लें, डाइएजो ब्लैंक यहां पे यूज किया हमने, ये यहां पे यूज किया, ये क्लिनिकल से मतलब मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए हैं साला साल की मेहनत के बाद ना, तो ये क्लिनिकल के भी मैंने डिजाइन किए हैं, आपने ब्लू भी देखी है, ब्लू इज मोर लाइक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। क्लिनिकल के ये मेटाबॉलिज्म के ये एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको टीच कर रहा हूं। बिलीरुबिन का स्टैंडर्ड देखें कितने का किया, 1% तैयार किया है, 1% का मतलब है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नहीं ये 10 मिलीग्राम, हां 10 मिलीग्राम, ठीक है। कहा ना आपने कि 10 मिलीग्राम डेसिलीटर कहां से आई है, हमने खुद तैयार किया है स्टैंडर्ड। ये सारी किसके अंडर फॉल कर रहे हैं, जो रीजंस हमने तैयार किए हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए, उनकी रेसिपी दी हुई है, एब्सोल्यूट मेथनॉल भी यूज हुई है, ठीक है। अच्छा अब सिग्निफिकेंस क्या है, जो टोटल बिलीरुबिन जो है ना इससे इस रेंज में होती है, डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.2 मिलीग्राम डेसीलीटर 100 ml को कहते हैं, ठीक है। और 100 ml में कोई भी चीज डिसॉल्व की जाए उसको परसेंटेज कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज में हम ग्राम पर डेसीलीटर लेते हैं, क्योंकि ये मिलीग्राम पर 100 ml है, तो इसको मिलीग्राम परसेंट इसलिए कह सकते हैं, हम इसको मिलीग्राम परसेंट भी कह सकते हैं। अगर हमें मिलीग्राम परसेंट नहीं लिखना, अब मिलीग्राम पर डेसीलीटर ही इसकी जगह लिख दें, ये यूनिट जो लिखा हुआ है। अच्छा डिफेक्ट्स इन बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म रिजल्ट्स इन जॉन्डिस, जॉन्डिस में ना ये एलिवेट हो जाता है बिलीरुबिन, इसलिए आंखें येलो हो जाती हैं, जिस्म भी येलो हो जाता है, बिलीरुबिन बढ़ जाता है, लीवर, लीवर में डैमेज होता है, तो लीवर जो है ना जो है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेट नहीं करता और वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती और येलो 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 बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ जाती है और आंखें भी येलो हो जाती हैं, ठीक है। और जो हमारे स्टूल में येलो कलर है ये बिलीरुबिन की वजह से है, ठीक है। तो ये जो बिलीरुबिन टोटल है उसकी रेंज ये होती है हेल्दी पीपल में, और जो डायरेक्ट है उसकी ये रेंज होती है हेल्थी पीपल में, ठीक है। और 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से अगर बढ़ जाए टोटल बिलीरुबिन तो फिर वो ना प्रॉब्लमेटिक वैल्यूज आमतौर पे कंसीडर होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने निकाल के लिटरेचर से आपके लिए पुट की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम सीरम क्रिएटिनिन कैसे मालूम करते हैं वो पढ़ेंगे, ये हम अपने पास से नहीं कर रहे, ये आपके कंटेंट्स हैं, ये मैं आपको कंटेंट्स दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए सीरम ब्लड क्रिएटिनिन भी हमने मालूम करना है, ठीक है, क्रिएटिनिन अगली क्लास में मालूम करेंगे। और जो नीचे वाले एक्सपेरिमेंट है ना कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ये हमने करने लिए रिड्यूसिंग शुगर वाले, इस तरह करने लिए एक्सपेरिमेंट हमने, और प्रोटीन और प्रोटीन अमीनो एसिड वाले कर लिए हमने, प्रोटीन क्वांटिटेशन बाय यूरेट मेथड कर लिया हमने। नो सर, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे बाद में आके, ठीक है। ये क्या है शुगर, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड तो हमने इधर भी कर लिया, वो कहता जी क्या यूरिक एसिड किसमें मालूम करें, यूरिन सैंपल में करें शायद, हाँ यूरिन सैंपल में करें, शुगर करें, यूरिक एसिड बिलीरुबिन उसमें भी करनी है, कोलेस्ट्रॉल करना है, क्रिएटिनिन करनी है,
ठीक है, तो ये हमने ना सीरम से मालूम कर लिए हैं, ठीक है, तो इन्होंने ना इधर से इधर भी लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल एक एक ही किस्म के चल जाएंगे, इतने ज्यादा क्या करने, क्योंकि आप क्लिनिकल के हैं, आपको क्लिनिकल के कुछ हम एक्सपेरिमेंट करवा दिए जाएंगे। तो मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी है, रिकॉर्डिंग हो गई है, जब आप चाहेंगे आपको एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। अब हमें आपकी अटेंडेंस लेनी होगी, जाइए कि नहीं, आप बच्चे 48 ज्वाइन कर चुके हैं। काम इतना मुश्किल नहीं है आपका, कुछ समझ आई, कोई 10-20 फीसद समझ आ गई बच्चों आपको? बोलिए, कुछ समझ आई आपको? यस सर। ओके, आपका बहुत यस सर जो आप देने का। और ये बताइए, आपको प्रोटोकॉल मिल गए हैं इनके? ये जो मैंने आपको कहा था विल प्रोवाइड लिखा था, आपको मिल गए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दिया मैंने आपको, देखा था? यस सर। ठीक है जनाब, व्हाट्सएप ग्रुप में भिजवा दिए मैंने ये तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट जो इंपॉर्टेंट है। तो जब आप चाहें 10-12 हो जाए तो बस करना, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से फिर कर लूंगा, फिर हम थोड़ी सी शॉर्ट क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है? और आप सारे बच्चे बहुत लायक हैं, आप जल्दी जल्दी ना याद कर लेते हैं, इसीलिए हमारा सिलेबस कवर हो रहा है तेजी से, ठीक है? और कोई क्वेश्चन तो नहीं करना आपने? नो सर। मैंने आपकी अटेंडेंस ले ली, आपको ज्वाइन करने का, बहुत क्लास बंद कर दें कि कुछ और करने की बात का काम करना है, बताने पढ़ना तो? नहीं सर। चलें ठीक है, आपका मीटिंग का ज्वाइन करने का शुक्रिया, ठीक है, हम इंशाल्लाह फिजिकली क्लासेस में आएंगे, ठीक है, आपका काम काफी हद तक हो चुका फाइनल के लिए इंशाल्लाह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। यस सर।